बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर आज नीतीश पास होंगे या फेल, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरजेडी नेता शक्ति यादव का इस बीच बड़ा आरोप, नीलम देवी और चेतन आनंद को लेकर उनकी ओर से बड़े दावे किए गए हैं। सत्ता पक्ष ने दोनों को जबरन अपने साथ बिठाया है, तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। अब से कुछ ही देर बाद फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां नीतीश विश्वास मत पेश करेंगे। पहला अपडेट आपके सामने ये, आपसे कुछ ही देर का इंतजार है जब नीतीश कुमार की ओर से विश्वास मत पेश किया जाएगा। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बताया जा रहा है कि 7 विधायक पहुंचे ही नहीं अभी तक, उनका इंतजार किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के 3, जेडीयू के 2 विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं, वहीं आरजेडी के भी 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। और इस बीच आरजेडी के 2 गायब विधायकों पर बड़ी खबर आपके सामने, जेडीयू के सीनियर एमएलसी से मिली नीलम देवी, आज सुबह नीतीश से मिले थे चेतन आनंद, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। चेतन आनंद जो एक दिन पहले क्रिकेट खेलते हुए तेजस्वी यादव के घर पर नजर आ रहे थे, रात में जो डेवलपमेंट हुआ वो भी TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था, किस तरीके से पुलिस उनको लेने पहुंच गई क्योंकि उनके भाई की ओर से शिकायत दे दी गई थी उनकी गुमशुदगी की, कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट लगातार बिहार से सामने आ रहा है, इसी को लेकर आरजेडी खेमा लगातार ये दावे कर रहा है कि खेला होना अभी भी बाकी है। राजद के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, जो मकामा के विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए, और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है जरा बता तो दे हमें, कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है, इसके बारे में कोई अपनी राय स्पष्ट कर सकता है?